आज हम आपको कक्षा आपका लेसन चार विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स माने होता है खोना और मेमोरी माने होता है याद। विपिन चौधरी जो कि अपनी यादगार खो चुका था उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसका पहला यूनिट देखिए एवरी मंडे। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो देखिए पहले तो थ्रिल माने रोमांचक, आमायक्सीआर मिक्सर माने मिलनसार, क्लोज क्वार्टर्स बहुत पास से, स्ट्रेंज अजीब, इनसेंस माने पागलपन, मिस्टेक माने गलती, और रिकॉल माने याद, और फिर उसके बाद में स्माइल माने मुस्कुराना, बुक सेल्फ किताबों की अलमारी। इस तरीके से इसकी स्पेलिंग्स है। और इसके बाद देखिए इसका अर्थ, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए कालीचरण ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट बट टू बाई बुक्स। तो रोजाना सोमवार के दिन ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क अपने कार्य से लौटते समय विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण। विपिन चौधरी कालीचरण की जो न्यू नाम की जो दुकान थी उस पर नए बाजार में किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिल्स, उसमें आपराधिक कहानियां होती थी, जो भूत वाली जो कहानियां होती हैं वो होती है, और रोमांचक कहानियों की किताबें होती थी। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 at a time टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 at a time वह एक बार में 5 किताबों से अधिक खरीद लिया करते थे। हिम थ्रू द वीक ताकि वह पूरे सप्ताह तक चलती रहे। ही लिव्ड अलोन वह अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर अधिक मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड उसके बहुत कम मित्र थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट और वह अपना जो बचा हुआ समय था वह डिडंट लाइक वह पसंद नहीं करते थे इधर उधर की बातों में। टुडे एट कालीचरण विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज के दिन जो विपिन बाबू है उन्होंने यह देखा कि कोई उसको बहुत ही नज़दीकी से उसका निरीक्षण कर रहा है या उसको देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रॉक इनटू ए स्माइल। अब उसने ही टर्न राउंड जैसे वह घूमा एंड फाउंड हिमसेल्फ तो उसने अपने आप को पाया लुकिंग एट ए राउंड फेस मीक लुकिंग मैन एक गोल चेहरे वाले जो दिखने में सही व्यक्ति दिखने में सही था ऐसे व्यक्ति को नाउ ड्रॉप इन टू ए स्माइल मुस्कुराते हुए उसने देखा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी मैं मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा तुम्हें देखते हुए। मैं आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी मैं नहीं मानता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर क्या हम कभी पहले मिले हैं आस्क्ड विपिन बाबू ने कहा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज वह व्यक्ति बहुत बड़े आश्चर्य में उसकी तरफ देखता है। वी मीट एवरी डे फॉर ए हॉल वीक हम पूरे सप्ताह रोजाना एक दूसरे से मिले हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू ए हुड्रो फॉल्स मैंने तुम्हें हुड्रो प्रपात में
एक कार का प्रबंध किया था। इन 1958 इन रांची में 1958 में माई नेम इज परिमल घोष रांची। मेरा नाम परिमल घोष है और मैं रांची से हूँ। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब विपिन बाबू को यह विश्वास हो गया कि यह वह नहीं था बल्कि यह व्यक्ति कोई गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। और उन्होंने वहाँ जाने की कई बार सोची जरूर थी बट नेवर मेड इट। लेकिन वह वहाँ कभी भी नहीं पहुँचे। ही स्माइल एंड सैड। वह मुस्कुराए और कहा डू यू नो हु आई एम। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रियलाइज्ड हिज आईब्रो अपनी आंखों को आईब्रो को घुमाते हुए चढ़ाते हुए। बिट हिज टंग एंड सैड अपनी जो जीभ है उसको घुमाते हुए। डू आई नो यू क्या मैं तुम्हें नहीं जानता। हु डजंट नो विपिन चौधरी। विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड। अब विपिन बाबू उस किताबों की अलमारी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। अब भी तुम कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज आई शायद कोई गलती। आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि मैं रांची कभी नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलॉट। अब वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो। यू हैड ए फॉल इन हुडरो एंड कट योर राइट नी। तुम हुडरो में गिर गए थे और तुम्हारा जो सीधा पैर था उसमें चोट भी आई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नटारहाल द नेक्स्ट डे। अब आपको मैंने नेटरहट के लिए एक कार का प्रबंध भी किया था अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन तुम वहाँ नहीं गए थे घुटनों में दर्द के कारण। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या तुम्हें अभी भी कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो यू स्टे इन ए बेंगलोर नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। समवन एल्स यू नो कोई और भी तुम्हें जानता है वाज आल्सो रांची में एट दैट टाइम उस समय। मिस्टर दिनेश मुखर्जी उनका नाम क्या था। श्रीमान दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बेंगलोर तुम एक बेंगलोर में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए। तुमने कहा था कि तुम होटल का खाना पसंद नहीं करते हो एंड वुड प्रीफर टू हैव मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची। अगर तुम्हें खाना पकाने के लिए एक बावर्ची की आवश्यकता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद। मिस्टर जो मुखर्जी थे वह उनके पास रहते हैं। विथ हिज सिस्टर अपनी बहन के पास रहते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग और तुमने मून लैंडिंग तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बातें भी की थी। रिमेंबर क्या तुम्हें याद नहीं है। आई विल टेल यू मोर मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था। यू ऑलवेज कैरी ए बैग विथ योर बुक्स और तुम वहाँ एक बैग किताबों से भरा हुआ एक थैला भी लेकर गए थे। इन इट ऑन योर साइट सीन ट्रिप्स और वहाँ पर आपने वहाँ के जो साइट सीन ट्रिप्स थे उनकी किताबों का थैला भी तुमने वहाँ से लिया था। आई एम राइट और नॉट क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली।
विपिन बाबू बिल्कुल चुप होकर के धीरे से शांतिपूर्वक तरीके से बोले, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, इसकी आंखें अभी भी किताबों पर है। विच मंथ इन 15-8 आर यू टेकिंग अबाउट, 58 के किस माह की बात है ये? द मैन सैड अक्टूबर, आदमी ने कहा अक्टूबर की। नो सर सैड विपिन बाबू, नहीं श्रीमान, विपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 15 विच ए फ्रेंड इन कानपुर, उस समय मैंने 58 में एक पूजा का जो पूजा में अपने मित्र के यहाँ कानपुर था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम्हें कोई गलती हुई है। गुड डे, अब तुम्हारा दिन अच्छा हो। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और न ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांदा ऑफ योर बैंगलोर, एक बार तुम्हारे बंगला में मैंने तुम्हारे लिए एक चाय कप चाय भी लेकर के मैं आया था। आई हैड टी, मैंने तुम्हारे साथ चाय भी पी थी बंगलों के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुम अपने परिवार के बारे में बातचीत कर रहे थे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी कहा था कि 10 वर्ष पूर्व तुमने अपनी पत्नी को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर, तुम्हारे एक भाई था, हैड डाइड इन सेंस, जो कि पागलपन के कारण मर गया था। विच इज वाई यू डिडंट वांट यू वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी की वजह से तुम रांची के जो पागलखाने थे उसको देखने भी नहीं गए। वेल विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग इन लिविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने किताबों का पेमेंट कर दिया एंड वाज लिविंग द शॉप और उस दुकान को छोड़ा, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, वह व्यक्ति अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। इन अटर डिसबिलीफ, और पूर्ण विश्वास से वह उसे देख रहा था। आपको इस लेसन के समरी के रूप में आपको अर्थ करना है, और ये जो स्पेलिंग मैंने लिखवाई है इनको आपके नोटबुक में करना है। अगले क्लास पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।